पर जमा हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। बट साहब जो हमारे हाँ बट साहब जो यहाँ पर डुकवा जा रहे हैं उसके लिए क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ द पर्सन, क्वालिटी ऑफ द टाइम। तो मेरे को इस टाइप इसका अंदाज़ा नहीं था कि जो समय आपके साथ गुजरेगा वो एक इतना खुशनुमा समा टाइम होगा और इतना क्वालिटी टाइम होगा कि ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इस समय को मैं काफ़ी समय तक याद रखूँगा। और ये लोग बोलते हैं, यंग लोग बोलते हैं, ये यंग लोग हैं कि आपसे सीखने को मिला। मैं तो आपसे काफ़ी बड़ा हूँ और मुझे 7-8 साल बड़ा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मुझे भी आपसे कुछ सीखने को काफ़ी कुछ मिला है। तो एक बात तो मैंने नोटिस की, ये लोगों ने बोला कि आपने इन लोगों को डांटा, ये वो इसने भी बोला डांटा, इसने भी बोला डांटा, कुछ लोगों को भी आप डांटते थे। तो मैं एक सबसे चीज़ मैंने नोटिस की है कि आप जब भी नाराज़ होते थे कभी आप अपना आपा नहीं खोते, कभी आपको मैंने आपा खोते हुए नहीं देखा। आप हमेशा एक एक डिसेंसी में रहते थे, डांट में भी आपकी एक डिसेंसी होती है। ये सबसे बड़ा मैंने सबक आपके साथ सीखा है। जब मैं यहाँ पे आया था मैं इरिटेटेड होता था, काफ़ी इरिटेट हो जाता था। मैंने देखा है आपके साथ रह के मेरे में भी एक पर्सनैलिटी चेंज आ गया है कि मैं जब कभी कभी नाराज होता हूँ तो कभी आप में से बाहर होने लगता हूँ तो आपका चेहरा ध्यान आ जाता है। और आपका जो डांटने का तरीका है वो भी पर्सनैलिटी को बहुत रेयरली क्रिटिसाइज करते हैं, आप करते हैं भी बड़ी बड़ी यानी एक टैक्टफुली करते हैं। आपका इशू बेस जो एक डांटना रहता है, तो ये चीज मैंने बड़ी नोटिस की है आपके साथ। और ये बहुत बड़ी आपकी क्वालिटी जो है मैं अपनी ज़िंदगी जो बाकी बची है उसमें अपनाने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक आपका काम करने का तरीका है, मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, THDC में मैंने ऑलमोस्ट 90% कुल लोगों को यहाँ काम करते देखा है। और मुझे आपका काम करने का तरीका जो है बहुत आउटस्टैंडिंग लगता है। आप डिसीजन को ओन करते हो, आप इधर उधर नहीं देखते कि किसी से मुझे पूछना है डिसीजन लेने के बारे में। जैसे कि हमको एक डिसीजन लेना था कि इस साइट के लिए हमें 3 ऑल्टरनेटिव में जाया जाए, 1 ऑल्टरनेटिव में जाया जाए, तो यू ओन द डिसीजन, यू ओन द डिसीजन। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो कि मैंने आप में नोटिस की है। और आप में एक इशू को कैसे, यानी आपको ये लगता है कि इशू को मुझे ही पायलट करना ये मुझे ही पायलट करना है, आप ओन करते हो उस इशू को, ये जो मैंने देखा है। और ये अगर आप किसी से डिस्कस भी करते हैं तो आपको हो सकता है पायलट करने में कुछ कंफ्यूजन है, तो आप एक जैसे कि हम लोग जब आपकी क्या नाम है उसका MP का जो महेश शर्मा के साथ पहली मीटिंग थी आपकी महेश शर्मा के साथ, तो हमें ये कंफ्यूजन था कि उससे बात क्या करेंगे। तो आपको ये डर नहीं था कि मैं वहाँ ग्लोबल क्यों नहीं जा रहे, आपको ये था कि वहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी क्या करूँगा, स्ट्रेटेजी क्या करूँगा। तो इस मामले में मैंने नोटिस किया है कि आपका जो ये एक ये सबसे बड़ी खूबी ये थी कि आप जो हो डिसीजन को ओन करते हो। और दूसरा मैंने ये भी नोटिस किया है कि आप जो हो यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि लोग बाग जब कोई सीनियर बात कर रहे होते हैं, लोग बागों का कुछ भी व्यू हो उसके बारे में वो हाँ में हाँ मिलाना चाहते हैं। आप जो हो अगर आपको बोलना है तो आप रुकते नहीं हो, यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप कुछ भी बोल अगर आपके कुछ भी बोलना है उस इशू में तो वो मैनेजमेंट माने ना माने तो आप जो हो उस चीज को हमेशा जो है बोलने की कोशिश करते हो, यहाँ तक कि बोल देते हो। आप बोल अगर उस टाइम नहीं बोल पाए तो कभी और बोल देते हो उसको। तो ये मैंने नोटिस किया है। मैं जो हूँ काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ और स्पिरिचुअलिटी एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी टर्म है हिंदुज़म में, बड़ी कंफ्यूजिंग सी टर्म है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप पूजा कर रहे हो या भगवान को ध्यान में ले रहे हो या सवेरे शाम ध्यान में लीन रहते हो, पर हमारे जो गुरु जी हैं उनकी स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो बोलते हैं कि लाइफ में जो आप ये बोलते हो कि स्पिरिचुअलिटी लव, स्पिरिचुअलिटी स्पोर्ट्स, ये सब अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही यानी ये लाइफ के एक ही पहलू हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप लाइफ
जी रहे हो उस किस इंटेंसिटी से आप लाइफ को जीते हो। वो विवेकानंद का एक कोट बोलते हैं कि विवेकानंद बोलते हैं कि जो 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 सॉसर प्लेयर है जो बॉल किक करता है इज क्लोजर टू स्पिरिचुअलिटी राधर ए पर्सन जो कि प्रेयर कर रहा हो पर सोच कुछ और के बाद बारे में रहो। उनका कहने का मतलब है कि जब वो फुटबॉल खेल रहा है तो उसे और किसी चीज से मतलब नहीं है। तो उस सेंस में आई थिंक यू डोंट प्रैक्टिस मच कुछ आप प्रेयर वेयर ज्यादा नहीं करते हो। महाशिवरात्रि में मैंने देखा आपको प्रसाद प्रसाद ले एक और पर्व भी आता है दो बार आप दूसरा कौन सा दूसरा वो रोट है वो रोट है तो उसके अलावा पन, मैंने कभी आपको भगवान की बातें करते देखा नहीं। तो मेरे हिसाब से यू नो इन माय डेफिनेशन यू नो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग आप एक इंटेंस स्पिरिचुअल पर्सन हो क्योंकि आप जो काम करते हो उसमें फुल्ली इन्वॉल्व ये मेरे लिए जो मैं अपना लाइफ एंड में अगर मुझे एक ऐसे आदमी के साथ 5-6 साल बिताने को मिले तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक आपके साथ एक शुरू हुआ है ये रहेगा ही काफी समय तक रहेगा। अब हमारे पास में बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद मोहन साहब ने आपने इतने बढ़िया वर्ड्स बताए हैं हमारा बहुत उत्सुकता थी कि आप कुछ शब्द आज के दिन में बोलें। तो हमारे पास में आप रसमलाई खा सकते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं मगर इसी दरमियान हमारे पास में ये सिद्दीकी साहब भी आ गए हैं तो हम चाहते हैं कि भई ये भी दो शब्द जो हमारे भट साहब जा रहे हैं डुकवा जा रहे हैं प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये अपने अपना दो शब्द बोले अपने दिल की बात बोले। सिद्दीकी साहब मैं सर की तारीफ में क्या बोलूं मैं तो लफ्ज ही खत्म हो गया सर मैं क्या बोलूं मैं इनको जरूर मिस करूंगा बहुत ज्यादा मिस करूंगा इनसे आके मैं काफी जब भी होता था ये हमारे लिए बहुत ही खासकर पूरे थर्मल डिपार्टमेंट के लिए जो यहाँ पर एनसीआर ऑफिस में है बहुत ही दुख की बात है कि भाई कि हमारे जो बहुत ही प्रिय और हमारे बड़े भाई भट्टसाहब आर के भट्टसाहब जा रहे हैं यहाँ पर डुकवा प्रोजेक्ट जा रहे हैं। तो जैसा कि खोसा साहब ने बोला कि भाई कि ये जहाँ पर भी रहेंगे खासकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि इनके दिल के बहुत ही करीब है जिनको ये बहुत ही पसंद करते हैं तो वहाँ पर भी ये अपना कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित कर लेंगे उसमें उसके लिए हमको कोई शक नहीं है। भट्ट साहब को जो मैं अगर मैं दो शब्द में भट्ट साहब को बोलना चाहूँ कि जैसे कि भाई कि ये तो एक्सपर्ट तो है ही है उसमें कोई शक नहीं है भाई टेक्निकल एक्सपर्ट है मगर अगर मुझे बोलना पड़ेगा भाई भट्ट साहब के लिए क्या सबसे बेस्ट चीज़ है तो मैं ये बोलूंगा कि जो इनके दिल में प्यार है और जो इनके दिल में करुणा है जो लव और कंपैशन उनके दिल में है वो उनके पास में हमेशा रहे तो ये इसके लिए तो मैं उनको बहुत ही बधाई देता हूँ इनके लिए इनको ये सबसे बेस्ट इनका हॉलमार्क है। जो अब मैं मुझे यहाँ पर आकर जब मैंने 2 साल पहले यहाँ पर ज्वाइन कर लिया यहाँ पर एनसीआर ऑफिस में भट्ट साहब हमारे रिलेशन ही है तो मुझे नहीं मालूम था कि भाई कि हैरानी की बात है कि भाई हम इतने क्लोज रिलेशन है और भट्ट साहब ने पूरा हमको कश्मीर से जो है कि हमारे रिलेशन को पूरा बहुत अच्छी तरह से बता दिया और मुझे इतना अच्छा लगा बाद में और इतना बढ़िया लगा और मुझे गर्व भी महसूस हो गया कि भाई कि जो इनकी भट्ट साहब की नानी है और मेरी जो दादी है वो आपस में रियल सिस्टर्स है मतलब आपस में रियल सिस्टर्स हैं। तो हालांकि कश्मीर में हमको मालूम था कि भाई भट्ट साहब कश्मीर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह में हारमोन के पास में रहते हैं जो इनका घर है कश्मीर में वो उधर में रहते हैं मगर उधर
ये मुझे मालूम चला कि भाई कि ये कितने हमसे क्लोज है। मैं अब ये इनके जो कंट्रीब्यूशन है पीएचडीसी के लिए वो तो कमाल है, उसमें तो कोई आप उसमें शक नहीं है, उसमें वो अनपैरेलल्ड है। जिसमें कि साहब इन्होंने जो व्हाट्सएप ने जो अगर चाहे आप टिहरी डैम ले लीजिए, टिहरी डैम में जब मैं उधर मैं जो मैं ये कोर बना रहे थे और बहुत पहले मैं वहां पर गया, 2-3 बार गया था, जब कोर मटेरियल बना रहे थे, शेल मटेरियल बना रहे थे, वो एज ए डिपार्टमेंटल वर्क कर रहे थे, उसको कितना बढ़िया और कितनी अच्छी एक्सलेंट तरह से कर रहे थे। उसके बाद में स्पिलवे का जब बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, जबकि वहां पर टीएलटीसी में वो कोई भी नहीं कर पाया, तब उस टाइम उस चैलेंज के लिए बोला भाई कि कौन आदमी उसको कर सकता है, तो सबकी पूरी मैनेजमेंट की उसकी आंख जो है उनकी जो जो होप्स थी उस टाइम वो भट्ट साहब भी वहां पर खड़े हो गए और वो उसमें खड़े उतर गए। जो स्पिलवे का प्रोजेक्ट है जो हमारा बहुत ही चैलेंजिंग था कि शूट स्पिलवे और 4 शाफ्ट स्पिलवे, उसमें इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड और अनपैरेलल्ड काम कर लिया, जिसमें कि जिसको कि पीएल जटाना साहब ने भी अपने लिखकर हाथ से लिखकर अप्रिसिएशन किया, वो भी मैंने देखा कि भाई कितना इन्होंने उसमें अच्छा किया। अब आप देख लीजिए कि भाई कि हमारा प्रोजेक्ट है जो है सिविल का प्रोजेक्ट है, टिहरी डैम का, टिहरी बांध का, जो कि पूरी दुनिया में आज के एशिया में इतना खड़ा हुआ है, सबसे ऊंचा खड़ा हुआ है, उसमें 3 पार्ट्स है, डैम है, स्पिलवे और पावर हाउस में। डैम में भी इतना अच्छा इन्होंने काम किया, इन्होंने स्पिलवे में भी इतना काम किया और पावर हाउस में देख लीजिए, पावर हाउस के पैकेज को इतना अंडरग्राउंड पावर हाउस कितना बढ़िया से इन्होंने बना लिया। हम चाहते हैं, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इनको पूरे अपने डिपार्टमेंट यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से हम उनको शुभकामनाएं दे देंगे, इनको बेस्ट विशेष दे देंगे और हमको इसमें कोई शक नहीं है कि जहां पर भी ये कदम रखेंगे, चाहे वो अपना डुकवा प्रोजेक्ट अभी है जो कि हमारे टीएसडीसी का यूपी में है, झांसी में है, या चाहे कोई भी इनका काम हो ललितपुर में, जहां कोई भी काम हो, ये इनका जो भी इनका अगला कदम लाइफ में हो, उसमें इनको सक्सेस तो इनके कदम चूमेगी उसमें। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू, आई सैल्यूट यू एंड विल ऑलवेज सीक योर ब्लेसिंग्स। जब भी आप यहाँ पर आना चाहें, हम इनके पास घूमने जाएंगे, वो आप जरूर जाएंगे सर, हमारे दिल आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, घूमने जाएंगे।